चाहता हूं जो लोग अपने मर्जी से बंद रखना चाहते हैं, जिनको औरंगाबाद नाम से मोहब्बत है वो बंद रखे, लेकिन किसी और को जबरदस्ती ना करे। बंद करने के लिए किसी और को जबरदस्ती ना करे। फिर कह रहा हूं शहर का अमन का पूरा पूरा ख्याल रखे। कल 10 तारीख को जो मोर्चा रखा गया था लोक विकास पार्टी, समाजवादी पार्टी, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल की तरफ से, वो मोर्चे को पोस्टपोन कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली तारीख दिए जाएंगी। आज कमिश्नर साहब से बात हुई, अघव साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से बात हुई, वैसे ही गीता मैडम से भी बात हुई, तो ये लोगों ने यही कहा कि ये मोर्चे में हो सकता है कुछ शरपसंद लोग शामिल हो और आपके मोर्चे को ख़राब कर। मेरे नौजवान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 10/3/2023 जुमा के दिन 3 बजे हमने जो मोर्चा रखा था, पुलिस के रिक्वेस्ट पर, पुलिस के विनंती पर वो मोर्चा कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हमको ये पता चला पुलिस द्वारा कि उस मोर्चे में कुछ दुश्मन अनासिर शहर में जो है शहर का माहौल ख़राब करना चाहते थे। और हम जितने मोहब्बत औरंगाबाद नाम से करते हैं उतनी मोहब्बत औरंगाबाद से करते हैं और उतनी मोहब्बत अमन से भी करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी भी हाल में औरंगाबाद का माहौल ख़राब हो। औरंगाबाद के माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कल का जो मोर्चा है इसे मुलतवी किया है, पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया, मोर्चा ख़त्म नहीं किया, बल्कि कल के तारीख के बजाय बहुत जल्दी इंशाल्लाह पुलिस हमको दूसरी तारीख देने वाली है। वो तारीख पे लोकशाही मार्ग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तरीक़े पर ये मोर्चा निकाला जाएगा। सिर्फ कल के लिए ये पोस्टपोन किया गया है। इसलिए शहर के नौजवानों से मेरी अपील है कि शहर में अमन कायम रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब अमन के लिए कोशिश करें और किसी भी दुश्मन अनासिर के धोखे में ना आए और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे शहर का अमन खतरे में आए। धन्यवाद सर। कल बंद मनाया जा रहा है, इसकी कोई अपील करेंगे अलग से कुछ अलायदा? बंद के ताल्लुक से मैं ये अपील करना चाहता हूँ जो लोग अपने मर्जी से बंद रखना चाहते हैं, जिनको औरंगाबाद नाम से मोहब्बत है वो बंद रखे, लेकिन किसी और को ज़बरदस्ती ना करे। बंद करने के लिए किसी और को ज़बरदस्ती ना करे। फिर कह रहा हूँ शहर का अमन का पूरा पूरा ख्याल रखे। शुक्रिया। कल 10 तारीख को जो मोर्चा रखा गया था लोक विकास पार्टी, समाजवादी पार्टी, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल की तरफ से, वो मोर्चे को पोस्टपोन कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली तारीख दिए जाएंगी। आज कमिश्नर साहब से बात हुई, अघव साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से बात हुई, वैसे ही गीता मैडम से भी बात हुई, तो ये लोगों ने यही कहा कि ये मोर्चे में हो सकता है कुछ शरपसंद लोग शामिल हो और आपके मोर्चे को ख़राब करें। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया सभी ने कि ये मोर्चे को अगली तारीख पर पोस्टपोन कर दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द कमिश्नर साहब, सीपी साहब जो है तो हमें अगली तारीख देंगे और हम अगली तारीख को इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे पैमाने पे ये मोर्चे को निकालेंगे और औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए हमारी जंग जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगी जब तक कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद नहीं होता। थैंक यू सर। बिरादरान मिल्लत और बिरादरान वतन, आप तमाम को ये तेरा नहायत ही दुख और अफसोस से साथ दी जाती है कि 10 मार्च यानी कल बाद नमाज जुमा जो एक मोर्चा भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर ऑफिस तक निकलना तय था, तो लिहाजा मनसूख किया जाता है। उसकी मनसूख होने की वजह यह है, मनसूख करने की वजह यह है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने हमारे सदर अब्दुल वाहिद साहब से, हमसे और हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, UPF, साम्राज्य पक्ष पार्टी, संविधान पक्ष पार्टी, सचिन गाड़े साहब, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल और तमाम जुमला पार्टियों को तो इतलात मिलती रही है कि कुछ दुश्मन अनासिर जो है तो
इस इत्तेहाद को पारा पारा करने की जो नापाक कोशिशों में मसरूफ़ है, और उस जुलूस के अंदर कुछ ना कुछ रंगेजी हो सकती है। बिरादरान मिल्लत और बिरादरान वतन, हमें जिस तरह से औरंगाबाद अज़ीज़ है, उसकी शान बान अज़ीज़ है, वो अपनी शान बान की एक हैसियत रखता है, इसी तरह से हमको अमन भी जो है तो अज़ीज़ है, अमन और आपसी भाईचारा भी जो है तो हमें जो तो अज़ीज़ है। तो लिहाजा मैं तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से और मुखलिस दर्दमंदों से, खैरख्वाहों से और वहाँ पर बेशुमार तादाद में जमा होने वाले अफराद से मैं नहायत ही दर्दमंदाना और खुलूस अंदाज में दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लिहाजा ये जुलूस मनसूख किया गया है, लिहाजा आइंदा जल्द ही जो है तो हम अजीम शान जुलूस जो एक इत्तेहाद का सबूत होगा और एक आपसी जो है तो दर्दमंदी का सबूत होगा, अनकरीब जो है तो निकाला जाएगा। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर वन YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स, औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।